रेड माइट के लिए हमें पर्टिकुलरली जो फार्मर्स होते हैं उनका कंसर्न होता है कि जो रेड माइट है या जितने भी इंसेक्ट्स है, हमें स्प्रे कब करना चाहिए? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आपने स्कैब का कहा, उसमें हमें जब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे बारिशों के साथ टेम्परेचर जब ऐसा ऐसा बढ़ता है, तो एक नेचुरल एक ऐसा एनवायरनमेंट एक ऑर्चर्ड में क्रिएट होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और जो मौजून होता है वो हमें स्कैब जैसी बीमारियां या बाकी फंगल बीमारियां लगने के लिए। इसी तरीके से जो हमें इसके बाद जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो है रेड माइट और अल्टरनेरिया, क्योंकि ऑलमोस्ट साथ साथ ही एक ऑर्चर्ड में, एप्पल ऑर्चर्ड में हमें देखने को मिलता है। रेड माइट की जहां तक हम बात करें, जितना हमें टेम्परेचर बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जून से शुरू हो गया, 21 जून के बाद ऑलमोस्ट टेम्परेचर बढ़ता ही है, जो फिर जुलाई 15 अगस्त तक ऑलमोस्ट हायर टेम्परेचर ही रहता है। ये जो टेम्परेचर हाई होता है, ये जो हमें जो रेड माइट्स हमारे एप्पल के ऑर्चर्ड्स में बागानों में देखने को मिलता है, इसके जो अंडे होते हैं, ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा सिचुएशन होती है हाई टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हैच होने लगते हैं। तो जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतने उतने ज़्यादा वो हैच होते हैं, और उनकी उस बढ़ते टेम्परेचर के साथ जो जनरेशन है वो भी बढ़ती है। जैसे एक जनरेशन आ गई, जब जैसे अगर 20-25 डिग्री टेम्परेचर है, अगर उसको एक जनरेशन कंप्लीट करने में 1 महीना लगेगा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है 30-35-32 डिग्री, वो वही जो उसकी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल, वो कम होके ओवरलैपिंग जनरेशन हमें देखने को मिलती है। जैसे अब जून का जो आने वाला टाइम है, हमें एक ऑर्चर्ड में रेड माइट के अंडे भी दिखेंगे, उसके निम्फ्स भी दिखेंगे, क्रॉलर्स भी दिखेंगे, फिर उसके अडल्ट भी दिखेंगे। तो ये सही टाइम है उस ऑर्चर्ड में जहां हमें पिछले साल, लास्ट ईयर या उससे पहले सालों में, जहां रेड माइट की हमें तेदाद या उससे नुकसान जिन बागों में हो, बागानों में हुआ है, ये सही टाइम है वहां हमें इस वक्त जो हमें है कुछ स्प्रेज या कुछ प्रिकॉशंस लेने का। जैसे इसमें इस वक्त हम कर सकते हैं HMOs का स्प्रे कर, समर स्प्रे ऑयल जो है, समर स्प्रे ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इस वक्त अभी तक भी मोस्ट जो उसकी जो जनरेशन है वो एग स्टेज में हो, तो वो हैच होने वाले हैं अब, क्योंकि अब आजकल जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं वो 25, 28, 30, even 32 के आसपास भी आ गया था पिछले 1-2 दिनों में। इसमें जो इनकी जनरेशन से जल्दी जल्दी ये हैच होके तो ओवरलैपिंग जनरेशन बनाती है, लेकिन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया। तो सही टाइम है खासकर उन बागान के लिए जहां अगर हमें लास्ट ईयर काफी ज्यादा रेड माइट की तादाद रही है या रेड माइट से नुकसान हुआ है, वो एक स्प्रे इस वक्त कर सकते हैं जिसमें एक केमिकल रहेगा हेक्साथायजोक्स, जो ना सिर्फ इनकी जो फर्स्ट इनस्टार या सेकंड इनस्टार जो जो इंसेक्ट्स होते हैं इसके माइट्स के, जो पहले जो उसके एग से जब बच्चे निकलते हैं, ना सिर्फ उनको मारता है बल्कि उसमें देखा गया कि वो जो उनके एग्स हैं उनको भी बहुत हद तक वो जाया कर देता है। इसलिए ये एक राइट स्टेज है, राइट टाइम है हमारे सेब के बागानों में हेक्साथायजोक्स की स्प्रे करना।